रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के तहत इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट खोलना बता रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन SBI में लॉगिन करके फिक्स्ड डिपॉजिट टैब में जाकर ETDR/ESTDR ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ ETDR/ESTDR ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है। आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें। आपके सभी डेबिट या ट्रांजैक्शन अकाउंट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको जिस अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट बनाना हो उसे सिलेक्ट करें। चूंकि हमारा एक ही अकाउंट है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर आपको जितने अमाउंट की FD बनाना हो वो अमाउंट टाइप करें। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को ब्याज ज्यादा मिलता है। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, पहला STDR क्यूमुलेटिव, इसमें आपको FD के मैच्योर होने पर ब्याज मिलेगा, और दूसरा TDR नॉन क्यूमुलेटिव, इसमें आपको इंटरेस्ट आपके चुने हुए अंतराल पर मिलेगा। हम STDR चुन रहे हैं। FD बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कितनी अवधि पर कितना ब्याज मिलेगा। उसके लिए डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर क्लिक करें। यहाँ डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो 1 करोड़ रुपीज लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर 7 दिन से लेकर 10 वर्ष की अवधि तक के टेनर्स के साथ इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं, और इसी तरह सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज क्या रहेगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम इस विंडो को बंद कर देते हैं। अब यहाँ से आप कितनी अवधि की FD बनाना चाहते हैं वो चुनें। अगर आप कुछ दिन की FD करना चाहते हैं तो डेज पर क्लिक करें। यदि आपको कुछ साल, महीने और दिन की FD करना हो तो आप ये बीच वाला ऑप्शन चुन लें, और यदि आप किसी निश्चित तारीख तक की FD बनाना चाहते हैं तो फिर आप मैच्योरिटी डेट चुनें। हम ईयर्स, मंथ्स, डेज ऑप्शन चुन रहे हैं। मान लीजिए हम 1 साल 1 माह के लिए FD करना चाहते हैं तो यहाँ से 1 वर्ष चुन लेंगे, और यहाँ से 1 महीना चुन लेंगे, और इसमें यदि कुछ दिन भी जोड़ना है तो वो भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ से मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस चुनना है। इसमें पहला ऑप्शन है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, अर्थात FD मैच्योर होने पर ब्याज सहित जो भी अमाउंट होगा उसकी फिर से नई FD बन जाएगी। दूसरा ऑप्शन है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट, इसका मतलब है FD मैच्योर होने पर ब्याज आपके खाते में जमा हो जाएगा और मूलधन की फिर से FD बन जाएगी। तीसरा ऑप्शन है रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इसका मतलब है FD मैच्योर होने पर ब्याज सहित जो भी अमाउंट होगा वो आपके खाते में जमा हो जाएगा। हम ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑप्शन चुन रहे हैं। भविष्य में ब्याज सहित जो FD मैच्योर होगी उसे आप दोबारा कितने समय के लिए FD में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये अवधि आपको यहाँ से फिर से सिलेक्ट करना होगी। मान लीजिए हम 1 साल 1 महीने के लिए दोबारा FD बनाना चाहते हैं तो हम ईयर्स, मंथ्स, डेज वाला ऑप्शन चुनकर वापस यहाँ से 1 साल 1 महीना चुन लेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ पूरी डिटेल्स आ गई हैं, इन्हें चेक कर लें। अब जिस नाम से FD बनेगी वो नाम यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर उस नॉमिनी का नाम दिखाई देगा जो आपने अपने बैंक अकाउंट में दिया हुआ है। अगर आप इन्हें ही नॉमिनी रखना चाहते हैं तो यहाँ यस सिलेक्ट करें, अन्यथा नो सिलेक्ट करें। हम यस सिलेक्ट कर रहे हैं और अब कन्फर्म पर क्लिक करें। ये देखिए आपकी FD बन गई है। यदि आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए पेज के नीचे की तरफ जाकर व्यू ETDR/ESTDR पर क्लिक करें। यहाँ सारी जानकारी आपको दिख जाएगी, जैसे FD का अकाउंट नंबर क्या है, FD कितनी अवधि की है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, वैल्यू डेट, मैच्योरिटी वैल्यू, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप इसको PDF के रूप में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज PDF पर क्लिक करें, और अगर इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट ले सकते हैं।